अनहोनी तो होगी ही, अनहोनी तो होगी ही। किसी नगर में जीर्णधन नामक एक व्यापारी रहता था। किसी कारणवश वो अपना धन खोकर निर्धन हो गया। निर्धन हो जाने के कारण उसके सगे संबंधी भी उसका उपहास उड़ाया करते थे। इस पर दुखी होकर उसने सोचा, जिस स्थान में ऐश्वर्य से भरा जीवन जिया करता था, जहां सभी सम्मान करते थे, वहीं आज धनाभाव में सभी हमारा मजाक उड़ाते हैं। कल तक जो सगे संबंधी मेरे लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने की बातें क्या करते थे, वही आज मुझे देखकर अपमानित करने से नहीं चूकते। किसी ने सच ही कहा है कि इस विश्व का समस्त अपनापन और प्रेम धन एवं प्रभुता के कारण ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार भेड़िये थके हुए, बीमार या घायल अपने ही जत्थे के भेड़िये को निर्दयता पूर्वक चबा जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अशक्त और निर्धनों के प्रति निर्मम हो जाते हैं। इस प्रकार विचार करके उसने धनोपार्जन हेतु विदेश जाने का निर्णय ले लिया। उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो विदेश जाने का व्यय एकत्रित करता। पूर्वजों के द्वारा बनवाई गई लोहे की एक विशाल तराजू अवश्य थी, जिसे उसने वंश की निशानी समझकर बचा रखा था। उसने उस तुला को अपने एक परिचित महाजन के यहां गिरवी रख दिया और विदेश के लिए प्रस्थान कर गया। भाग्य ने उसका साथ दिया। वर्ष भर में ही उसने पर्याप्त धनोपार्जन कर लिया। जब उसके पास धन की कमी न रही तो उसने स्वदेश में ही रहकर व्यापार करने की सोची और घर लौट आया। अपने घर की मरम्मत आदि करवाकर वो उस महाजन के पास गया, जिसके यहां उसने तराजू गिरवी यानी बंधक रखी थी। उसने कहा, चाचा जी, ईश्वर की कृपा से मैं अपना व्यापार आरंभ करने जा रहा हूं। अब आप अपने ब्याज आदि का हिसाब करके तुला मुझे लौटा दीजिए। महाजन को विश्वास नहीं था कि वो निर्धन युवक कभी धन भी कमा पाएगा। लोहे की वो विशाल तुला उस युवक के दादा अर्थात नगर सेठ की विशिष्ट तुला थी। उस पर महाजन ललचाया करता था। अब वो तुला उसके पास थी और प्रतिष्ठा के उस चिन्ह को वो लौटाना नहीं चाहता था। उसने उससे सहानुभूति दर्शाते हुए कहा, बेटा, तुमसे ब्याज आदि क्या लेना? तुम तो अपने परिवार के ही सदस्य हो, परंतु मैं तुम्हारे सामने लज्जित हूँ। तुम्हारी तुला की मैं रक्षा नहीं कर सका, उसे चूहों ने कुतर कुतर कर खा लिया। अब तो उसका अवशेष तक नहीं है। जीर्णधन समझ गया कि महाजन के मन में बेईमानी आ गई है। उसे क्रोध भी बहुत आया, परंतु उसने मन में भावों को दबाकर उसने कहा, भाग्य और होने पर किसी का वश नहीं चाचा जी। तुला चूहे खा गए तो इसमें आपका क्या दोष? आपने तो चूहों से कहा ही नहीं होगा कि वे उसे खा जाएं। महाजन इस पर हो हो करके हंस पड़ा। जीर्णधन ने कुछ देर तक बातें करने के बाद कहा, चाचा जी, धनदेव कहाँ है? मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूं। उसे नदी में स्नान करने में बहुत आनंद आता है। धनदेव उस महाजन का पुत्र था और वो जीर्णधन से बहुत घुला मिला था। महाजन भी ये बात जानता था। उसने धनदेव को बुलवाकर उसके साथ कर दिया। स्नान आदि के पश्चात जीर्णधन ने धनदेव को एक गुफा में छिपा दिया और उसके द्वार को विशाल शिलाखंड से बंद कर दिया। जीर्णधन को अकेला आया देखकर महाजन ने पूछा, बेटा, धनदेव कहाँ है? चाचा जी, मुझे दुख है, जीर्णधन ने कहा। मैं स्नान कर रहा था, धनदेव तट पर खेल रहा था कि एक चील आई और उसे लेकर उड़ गई। मैं बहुत दूर तक उसके पीछे दौड़ा, परंतु वो इतनी तेज उड़ रही थी कि मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। अरे ओ झूठे, महाजन ने छाती पीटते हुए कहा, तूने मेरे पुत्र का क्या किया? क्या चील भी 10 वर्ष के बालक को लेकर उड़ सकती है?
सीधी तरह मेरे पुत्र को लौटा दे, वरना मैं तुझे राजा से दंड दिलवाऊंगा। चाचा जी, जो सच था मैंने बता दिया। आप राजा के पास चलना चाहते हैं तो चलिए, भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। ये विवाद राजा की सभा में पहुंचा तो महाजन के आरोप पर चकित होकर राजा ने कहा, जीर्णधन, ये कैसे हो सकता है? चील के द्वारा किसी 10 वर्ष के बालक को उठा ले जाना असंभव है, यह अनहोनी है, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, आजकल आपके राज्य में अनहोनी ही तो हो रही है, इसलिए ऐसी घटनाएं तो घटेंगी ही। जब लोहे की 40 मन वजनी तुला को चूहे खा सकते हैं, तो चील 10 वर्ष के बच्चे को लेकर क्यों नहीं उड़ सकती? जीर्णधन ने कहा। राजा ने विस्मय से पूछा, ये तुला वाली क्या कथा है? जीर्णधन ने संपूर्ण कथा सुना दी। इस पर राजा ने कुपित होकर महाजन से कहा, बेईमानी किसी का भला नहीं करती, क्योंकि जब भी ये एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती है तो अनेकों को बेईमान बना देती है। इस प्रकार वो बेईमानी करने वाला भी उसका शिकार बनता है। तुम इस व्यापारी को उसकी तुला लौटा दो, और जीर्णधन, तुम इसके पुत्र को भी लौटा दो। महाजन ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और जीर्णधन को तुला लौटा दी। जीर्णधन ने भी उसका पुत्र लौटा दिया।